जय हिंद, जय हिंद सबको। वेलकम टू साइन अप स्टडी। हम लोग खोटा भाषा पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे। हम लोग का टॉपिक था साहित्य के अन्य विधाएं पे, ठीक है। उसका हम लोग यात्रा वृतांत का पहला पार्ट कर लिए थे, आज दूसरा पार्ट करेंगे। आज का यात्रा वृतांत है संकरी नदी काछर। इससे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है संकरी नदी काछर जत्रा वर्णन के कर लिखल लागे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनाथ परमाणु जी के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संकरी नदी काछर कौन जिला में पड़ है। इसका सही आंसर है ए गिरिडीह जिला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है संकरी नदी काछर लेखक कहिया गेल रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 नवंबर 1998 को, ठीक है। 28 नवंबर 1998 को लेखक गए थे संकरी नदी काछर। चौथा क्वेश्चन है संकरी नदी काछर लेखक किले गेल रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आदि मानव कर खो देखे ले, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है संकरी नदी काछर जहां गेल रहत उके कौन जिला की सीमा पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिडीह जिला, ठीक है। गिरिडीह जिला की सीमान पर है। छठा क्वेश्चन है लेखक जनश्रुति की सुनल रहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ई सब है। लेखक सुने हुए थे संकरी नदी काछरे आदि मानव रही हलत। आदि मानव कर खो है वो आदि मानव लोहा गला गल गलवो हाथ, ठीक है ना। तीनों चीज सुने हुए थे लेखक, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं गिरिडीह कर देवरी प्रखंडे कौन कौन खोटा साहित्यकार है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ई सब है। यहाँ पे नवल किशोर नवल जी, विनोद उपाध्याय जी, दिलीप राम जी, बहादुर पांडे, झिमफुलिया जी है, ठीक है। सब देवरी प्रखंड में हैं। आठवां क्वेश्चन है संकरी नदी काछरे देखे खातिर लेखक नवल किशोर नवल घार गेल रहत हुआ कौन कौन उनका उनका स्वागत करल रहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ई सब है। तो यहाँ पे विनोद उपाध्याय जी, बहादुर पांडे, जिंग फुलिया जी, दिलीप राम जी, तीनों उनका स्वागत किए थे लेखक का, ठीक है। नवा क्वेश्चन है संकरी नदी काछर देखे ले कौन कौन गेल रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये तीनों। यहाँ नवल जी छोट भाई, शिवनंदन पांडे गरीब जी और लेखक शिवनाथ प्रमाणिक जी, तीनों गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दसवां क्वेश्चन पे सकरी नदी काछर जत्राक ड्राइवर संग गाइड कर काम कौन करल रहे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवल जी छोट भाई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन पे संकरी नदी काछरे आदि मानवे पाखने खो है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लगाए 30 किलोमीटर, मतलब तो लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक है।
12वां क्वेश्चन है, एहे सरसल चोरिया लागो क्यू नदीक स्रोत इटा कौन कहल रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवनंदन पांडे जी। ठीक है आगे बढ़ेंगे 13वां क्वेश्चन पे, संकरी नदी काछर जत्रा वर्णन कौन पत्रिका छपल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तितकी। ठीक है और ये प्रकाशित कब हुआ था, अप्रैल 2000 में। चौदवा क्वेश्चन है, संकरी नदी काछे कौन जयतेक बस किता है। सही आंसर है ए घटवार, घटवार जाति का लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है संकरी नदी काछर का खत्म हो गया। अगला हम लोग का है यात्रा विधान, माना गांव टवाने। ठीक है इसका पहला क्वेश्चन है, माना गांव एक टवाने कैसन रचना लागे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यात्रा विधान। दूसरा क्वेश्चन है, माना गांव एक टवाने जत्रा वर्णन किकर लिखल लागे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनाथ प्रमाणिक जी। ठीक है ये भी शिवनाथ प्रमाणिक जी द्वारा लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, माना गांव कौन प्रदेश में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ठीक है माना गांव उत्तराखंड में है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक माना गांव कहिया गेल रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई 2012 को। ठीक है पांचवा क्वेश्चन है, माना गांव उत्तराखंड कर कौन जिला में है। माना गांव कौन जिला में है उत्तराखंड का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चमोली, चमोली जिला। ठीक है छठा क्वेश्चन है, माना गांव बद्रीनाथ से कितना दूर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। माना गांव से बद्रीनाथ 6 किलोमीटर दूर है। सातवां क्वेश्चन है, माना गांव में कौन जवान आर्य संगे लगल रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क ख दुयो, मतलब घाटू धान्याल घटाकरण दोनों आर्य संगे लगल रहा था। आठवां क्वेश्चन है, माना गांव में कौन आर्य संगे चूधे मरायल रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घाटू धान्याल। ठीक है आगे बढ़ते हैं नवा क्वेश्चन पे, नवा क्वेश्चन है, माना गांव में किकर बस किता रहे, मतलब माना गांव किसके अधिकार में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क ख दियो, मतलब भुटिया नारायण दोनों के बस किता रहे। ठीक दसवां क्वेश्चन है, माना गांव में एक कहानी जनश्रुति कौन सुनवल रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह बोड़वाल। ठीक है 11वां क्वेश्चन है, आर्य सभ्य जीतल बादे बद्री बोने देवताक मुहूर्त गाड़ल रहत उ के नामे जानल जाए, कौन क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है इसका सही आंसर है ए बद्रीनाथ। ठीक है 12वां क्वेश्चन, माना गांव एक टवाने जत्रा वर्णन कौन पत्रिका छपल रहे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुआठी, जो दिसंबर 2012 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लुआठी पत्रिका से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगला यात्रा वृतांत है अंडमान। ठीक है, इससे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंडमान यात्रा वर्णन ककर लिखल लागे, लिखो ये के है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचम महतो, पंचम महतो जी लिखे हैं। ठीक है, अंडमान अंडमान यात्रा वृतांत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पंचम महतो कर लिखल एकल जत्रा वर्णन किताब कर नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंचरैया, एक ही यात्रा वृतांत का किताब है जिसका नाम है मंचरैया, जो पंचम महतो द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मंचरैया कर भूमिका कौन लिखल रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश दिनवानी जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन पे। ठीक मंचरैया किताब कर प्रकाशक कौन लागे? प्रकाशक तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालीडीह खोटा कमेटी बोकारो। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, मंचरैया किताब कर प्रकाशक बच्चर लागे, प्रकाशक कब हुआ था इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2008, मंचरैया किताब का प्रकाशन 2008 में हुआ था बाइडी खोटा कमेटी के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, लेखक अंडमान कहिया गिर रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 जनवरी 2007 को। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, लेखक अंडमान की ले गेल रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंपनी कर काम से, कंपनी के काम से लेखक अंडमान गए थे। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेज कर पहले भारतीय सबक अंडमान किले भेजल जा रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इस शोभे खातिर, मतलब काला पानी की सजा काटे ले, बीहड़ बोने जोड़ल जाहल, सॉरी छोड़ल जाहल, मनुष्य खवैया लोक संग लड़े ले। ठीक है, मतलब जानवर लोग से लड़ने के लिए बीहड़ बोल में, मतलब घना जंगल में छोड़ दिया जाता था, काला पानी का सजा काटने के लिए वहां पे भेजा जाता था। आगे बढ़ेंगे नवा क्वेश्चन पे, अटलांटा पॉइंट एक उच्च ठाव में ठाव के समथैर करके जेल ककर से बनवल गेल है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय कैदी और मजूरा से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दसवां क्वेश्चन पे, 1860 से 1872 तक कैसन कैदी के अंडमान भेजल जा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक कैदी के। आगे ग्यारहवां क्वेश्चन है, पहली बेर भेजल आजादीक दीवाना दीवाना कैदी कर नाम रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेर अली, शेर अली को सबसे पहले काला पानी की सजा मिला था और अंडमान भेजा गया था। बारहवां क्वेश्चन है, सावरकर के कौन बछड़े अंडमान जलानल गेल रहे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1911 ईस्वी। 13वां क्वेश्चन है, शेर अली के डॉक्टर इहाक बात नाय मानल पर कौन सजा देल देल गेल रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फांसी देल गेल रहे। ठीक है, शेर अली जी को फांसी दे दिया गया था। 14वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध पर 1943 45 तक ये अंडमान के कर अधीन रहे। दूसरे विश्व युद्ध तक अंडमान किसके अधीन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापानी, जापानी लोगों के अधीन में था। 15वां क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर में पहली बेर 1945 में तिरंगा झंडा कौन फहरावा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, सेलुलर जेल तक कर पासेक पार्क कर नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सावरकर पार्क, सावरकर पार्क से इनका नाम है। ठीक है, सेलुलर जेल का नाम के पास जो पार्क है उनका उसका नाम। 17वां क्वेश्चन है, अंडमान एखन कैसन प्रदेश है। इसका सही आंसर है सी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेलुलर जेल के एखन की रकम रखल है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये 3 रुपए, मतलब 3 खांडा के जेल रुपए, अस्पताल रुपए और स्मारक रुपए। ठीक है, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत को भी देखेंगे। ठीक ये सब इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत सब है, हम लोग इसको सबका एमसीक्यू कर चुके हैं, इन याद रखिएगा। खोटा गैद पैद संग्रह पुस्तक जो है इंटरमीडिएट का, इसका प्रकाशन 1989 में हुआ था, इसमें एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं पिछले के वीडियो में, जो लोग नए हैं वो लोग पीछे आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। इसका पहला पार्ट, विभिन्न विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे यात्रा वृत्तांत, तो हम लोग देखेंगे और भी यात्रा वृत्तांत सब। पहला है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, ये बीएन औदार जी द्वारा लिखा गया है। ये खोटा निबंध पुस्तक है, उसमें लिखा गया है, इसका प्रकाशन 1990 में किया गया है। ठीक है, 1990 में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है, सकरे नदी काछर, जो शिवनाथ प्रमाणिक जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन तितकी पत्रिका में 2000 ईस्वी में किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट है सब, ये सब कम से कम याद रखेंगे। तीसरा है, गंगा सागर, ये भी यात्रा वृत्तांत है, ये पंचम महतो जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन लुवाठी पत्रिका में 2000 ईस्वी में किया गया था। चौथा है, पानोरी जी खोजे 3 दिन, ये प्रदीप कुमार दीपक जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन लुवाठी पत्रिका में 2002 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पांचवा हमारा अंडमान, ये भी पंचम महतो जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन करील पत्रिका में हुआ था, जो 2009 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, करील पत्रिका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से।
छठा क्वेश्चन है, छठा हमारा प्रविधान, दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा, ये बंसीलाल बंसी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन दू डायर जीरुल फूल पुस्तक में हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 2010 है, ठीक है। दू डायर जीरुल फूल ध्यान दीजिएगा, यात्रा वृतांत की एकमात्र पुस्तक। इसका नाम है मन चरैया, मन चरैया जो पंचम महतो जी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ था, बारीडीह खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा, ठीक है। इसमें भूमिका दिनेश दिनेश दिनमणि जी लिखे हैं, ठीक है। इसमें आठ टोटल 8 यात्रा वृतांत लिखा गया है, इसमें मनचरैया में 8, ठीक है। इम्पोर्टेंट था ये सब, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।